हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, इस देश की सभ्यता जितनी पुरानी है लगभग उतनी ही पुरानी यहाँ के मंदिर हैं। हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई रहस्य वैज्ञानिकों या फिर आम आदमी की चर्चा का विषय ना हो। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग चौंक जाएंगे। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा का बड़ा महत्व माना गया है। आज हम इन चार धाम में से एक ओडिशा के समुद्र तट के किनारे बसे पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। आज हम आपको इस मंदिर से जुड़े ऐसे रोचक रहस्यों की जानकारी देने जा रहे हैं जिनकी सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया है। मंदिर में नहीं सुनाई देती समुद्र की आवाज। दोस्तों, कहने को तो ये मंदिर समुद्र के किनारे पर बसा है, लेकिन मंदिर के अंदर समुद्र की लहरों की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकलेंगे वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों, इस पवित्र मंदिर की हर जगह किसी ना किसी रहस्य से जुड़ी हुई है। मंदिर में कभी नहीं होती प्रसाद की कमी। मंदिर में प्रतिदिन चाहे कितने ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आए मगर प्रसाद की मात्रा कभी घटती नहीं है। हर समय पूरे साल के लिए भंडार भरा रहता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के प्रताप से यहाँ हजारों लोगों से लेकर लाख लोगों तक को प्रतिदिन भरपेट भोजन खिलाया जा सकता है, चाहे श्रद्धालुओं की संख्या में कितनी भी बढ़ोतरी क्यों ना हो जाए। मंदिर के अंदर पकाया जाने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक रहस्य है। दरअसल इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता, चाहे 10-20 हजार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद जरूर मिलता है। यहाँ की विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाले महाप्रसाद को बनाने के लिए 500 रसोइये लगे रहते हैं, जिनके लिए अलग से 300 सहयोगी काम करते हैं, यानी कि करीब 800 लोग मिलकर महाप्रसाद तैयार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंदिर का प्रसाद तभी खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में आज भी कई ऐसे चमत्कार होते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। पुराणों के अनुसार जगन्नाथ मंदिर को धरती का बैकुंठ माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ मौजूद माने जाते हैं। पुराने समय से ही यहाँ की सबर जनजाति के आराध्य देव हैं ये, और ऐसा कहा जाता है किसी वजह से यहाँ भगवान विष्णु का रूप अन्य मंदिरों की अपेक्षा थोड़ा अलग नजर आता है। रोज बदल जाता है मंदिर के शिखर का झंडा। हवा की उल्टी दिशा में उड़ता है मंदिर का झंडा। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर मौजूद झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ये प्रक्रिया उल्टी है। अब ऐसा क्यों है ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। भारत में किसी भी मंदिर का ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता है, लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर ही एकमात्र मंदिर है जिसका ध्वज हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंची गुम्बद पर चढ़कर ध्वज बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है,
जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखे, पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। जगन्नाथ मंदिर के खजाने का रहस्य, क्या मंदिर के नीचे दबा है कोई खजाना? ऐसा माना जाता है कि मंदिर की जितनी ऊंचाई है ये उतना ही गहरा भी है। मंदिर का खजाना, जिनमें रुपए पैसे ही नहीं रत्न और जवाहरात भरे हुए हैं। ओडिशा हाई कोर्ट के आदेश के बाद रत्न भंडार कक्ष में 2018 को कड़ी सुरक्षा के बीच 16 सदस्यों वाली एक टीम में 34 साल के बाद यहां जांच के लिए आई थी। इस घटना के करीब 2 महीने बाद मंदिर के खजाने की चाबी के गायब होने की बात सामने आई थी, जो अब तक नहीं मिली है। खजाना देखकर लौटी टीम ने रत्न भंडार के रक्षक लोकनाथ की मूर्ति के पास शपथ ली थी कि वे रत्न भंडार से जुड़ी कोई भी बात किसी को नहीं बताएंगे। उनका काम सिर्फ ढांचे की मजबूती और सुरक्षा का मुआयना करना था। इस दौरान उन्हें खजाने वाले संदूक और रत्नों को छूने की इजाजत नहीं थी। भगवान जगन्नाथ के खजाने की विशालता को लेकर इसलिए भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि इससे पहले 2011 में जगन्नाथ पुरी के पास ही एमआर मठ से एक मजदूर एक चांदी का ईंट चुरा कर ले गया था, और इसके बाद एक ऐसा रहस्य उजागर हुआ जिसे देख कर प्रशासन की आंखें भी चौंधी आ गई थी। जांच में जब इस मठ के एक कमरे को खोला गया तो उसमें से 100 करोड़ से अधिक कीमत की चांदी की ईंटें मिली थी, और इसी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मंदिर में खजाने का भंडार है। 7वीं सदी में हुआ था मंदिर का निर्माण। 3 बार टूट चुका है जगन्नाथ मंदिर। 1174 ईस्वी में अनंग भीमदेव ने दोबारा बनवाया था मंदिर। दरअसल ये पूरा मंदिर ही रहस्यों से घिरा हुआ है। इसके बनने के पीछे भी एक रहस्य जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा इंद्रदेवमन मालवा का राजा था। राजा इंद्रदेवमन को सपने में जगन्नाथ के दर्शन हुए थे। सपने में ही भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं, तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित करवा दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा, लेकिन नील माधव की पूजा सबर कबीले के लोग करते थे। राजा के सेवक ने वहां से मूर्ति चुरा ली थी और राजा को ला कर दे दी थी, लेकिन मूर्ति के चोरी होने से भगवान नील माधव बहुत दुखी थे, इसलिए वापस उसी गुफा में चले गए, लेकिन राजा से वादा करके गए कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठा कर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैर कर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्वर वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्व वसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाखों कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। उनकी शर्त मान ली गई, लेकिन एक दिन राजा इंद्रद्युम्न की रानी खुद को रोक नहीं पाई, और रानी के कहने पर राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में मंदिर में विराजमान हैं।